हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास टेंथ मैथ एडिशन 2020 और इसका प्रिंट 2023 में हुआ है। 2020 एडिशन का है ये बुक, न्यू वाला है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 cot² θ / 1 cosec θ = cosec θ प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए LHS गिवन है 1 cot² θ / 1 cosec θ, ये दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 cot² θ को लिख सकते हैं cosec²θ - 1, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और ये 1 cosec θ, अब 1 इसको हम cosec²θ है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो a² - b² के फॉर्मूला पर हो गया, तो a + b × a - b cosec θ + 1 × cosec θ - 1 हो जाएगा इसको लिखेंगे तो, और बाय 1 cosec θ। अब ये प्लस में अगर ऑर्डर चेंज रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया 1 cosec θ - 1, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो बच गया cosec θ। अब यही प्रूफ करना था यहाँ पे RHS प्रूफ्ड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, sec A - cos A × cot A + tan A और = sec A × tan A, तो इतना लाना है इसको सॉल्व करके। LHS = हो गया sec A - cos A × cot A + tan A। अब sec A को हम लिख सकते हैं 1 cos A, और माइनस इसको हम cos A ही रहने देंगे, इंटू इसको लिख सकते हैं cos A / sin A, फार्मूला होता है cot θ = cos θ / sin θ, प्लस tan θ = क्या होता है sin θ / cos θ, तो थीटा के जगह पे ये है sin A / cos A, इतना लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसका हम LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये cos A तो 1 माइनस, यहाँ पे 1 हाइड है तो 1 से cos A टाइम में कटेगा, तो cos A में cos A से cos²A हो जाएगा। अब इंटू ये हो जाएगा, फिर इसका LCM ले लेंगे sin cos का, sin A × cos A, तो sin से sin कटेगा, बचेगा cos, cos में cos A से, तो हो जाएगा cos²A + cos से cos कटेगा, बचेगा sin, तो sin²A हो जाएगा, ठीक है। अब 1 cos²A = होता है sin²A, ये आइडेंटिटी है, ठीक है।
बाय कॉस ए। फिर अब इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है वन, ये भी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसमें यहाँ इंटू है तो ये साइन से ये कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर साइन से स्क्वायर कटेगा तो ऊपर बच जाएगा साइन ए बाय नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू वन बाय कॉस ए। ठीक है, अब साइन बाय कॉस का वैल्यू क्या होता है, टेन होता है, टेन ए, और वन बाय कॉस का वैल्यू क्या होता है, सेक होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं उलट कर, यहाँ पे सेक इधर और टेन इधर दे दिया है ना, तो सेक इंटू में ऑर्डर चेंज रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक ए इंटू टेन ए इज इक्वल टू आर एच एस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।